अभी देख रहे हैं टाइमर टाइमर किया जा रहा है। ओए बोल तू तो दिखे ले पला हमरे यहां तक छेड़ दूंगा टाइमर का कर दिया पे डैशबोर्ड देख रहा है, कंपनी का डैशबोर्ड है तो रंग किया हुआ है। ये आप देखिए, ये आपको साइड का चदरा जो है इसमें वाइट कलर का प्राइमर लगाया गया है। तो दिन का काम जो है लगभग लगभग हो गया, इसमें और 20% काम बाकी है। यहाँ पे डीजल टैंक और एरिया टैंक है, इसको कवर किया जा रहा है प्लास्टिक से ताकि इसमें रंग नहीं लगे। दोस्तों मैं बता दूँ, ये देखिए प्राइमर है ये वाला, सब गला गया है। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितना लीटर इसमें प्राइमर लगा है और इसमें कौन सा रंग जो है इसमें लगाया जाएगा ताकि इसका लंग टर्म के लिए अच्छा दिखे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए शो को कवर करके रंग प्राइमर किया जा रहा है इसमें ताकि प्राइमर जो इधर ना लगे। दोस्तों आप प्राइमर देखिए कितना अच्छा तरह से कवर किया गया है। अच्छा इसलिए देखिए इसमें पूरा गैप जो है, गैप में भी पूरा प्राइमर सही से इसमें किया गया है ताकि बाद में इसमें है कि जंग ना लगे। जंग नहीं लगने के कारण जो है इसका लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहता है। एंगल का बीच और एंगल और जो आपको खतरा है उसके बीच का जो गैप है वो सही से प्राइमर करना चाहिए, तभी रंग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहता है। इधर में देख रहे हैं साफ सफाई काम चल रहा है ताकि कहीं भी कोई गंदगी ना रह जाए, तभी रंग जो है अच्छे से पकड़ेगा। आप देख रहे हैं ये चौथा बार जो है प्राइमर को डाला जा रहा है। अब दोस्तों आप वहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक प्राइमर करने में 3 लीटर प्राइमर लग गया इसमें। दोस्तों इस ट्रक के डल्ला का हाइट है 5.5 फुट और इसकी लंबाई है 30 फुट 6 इंची। इसमें टोटल कितना प्राइमर लगेगा
आपको मैं सब बताऊंगा। इस साइड में प्राइमर का काम लगभग लगभग हो गया, आप दूसरे साइड में देखिए प्राइमर किया जाएगा। चलिए आपको दूसरे साइड में दिखाते हैं, अभी दूसरे साइड में देखिए प्राइमर करेगा। दोस्तों आप रंग करते समय देख रहे कितना एयर ड्रॉप हो रहा है इसमें, इसीलिए मैं उसका नज़दीक में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें लेंस बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा दिखाने के लिए आखिर ये रंग किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल कहीं भी गैप नहीं रखना चाहिए, और जो गैप है उसमें बहुत अच्छी तरह से रंग करना होगा, नहीं तो उसमें जंग लगने का खतरा बना रहता है। और जंग लग जाने के बाद आपका जो एंगल का जो वो है, आप जहाँ वेल्डिंग का जगह वहाँ पर जल्दी जो है ख़राब होता है और बॉडी बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है। फाइनली दोस्तों अब देखिए प्राइमर का काम हो गया है, एक पूरी तरह से प्राइमर कर दिया गया है। उसके बाद इसको वो सीरीज से जो है इसको घस करके इसे पोटिंग का काम होगा। मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए साइड भी हो गया है, ये सामने जो है बम्पर का इसका भी प्राइमर हो गया है। चलिए आपको दूसरे साइड में दिखाता हूँ दूसरे साइड में हुआ कि नहीं। देखिए इधर भी हो गया है, लेकिन कुछ एंगल जो है यहाँ वेल्डिंग करना बाकी रह गया था, इसका भी हो जाएगा। और ये यहाँ पे बैक पट्टा जो होता है उसके लिए बॉक्स बनाया गया है। प्राइमर का काम लगभग हो गया, इधर में कुछ वेल्डिंग बाकी रह गया था, लेकिन हम देखिए कुछ इधर में जो है साइड गेट जो है इसको बनाया गया, इसका भी प्राइमर कर देगा। प्राइमर करने हो गया है, अब इसको सीरीज से घसने के बाद इसमें पोटिंग होगा। चलिए आपको दिखाएंगे कैसे इसे पोटिंग करता है, पहले किस तरह से इसको रगड़ घस करने के बाद इसमें पोटिंग होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।